नमस्कार, आप देख रहे हैं सूबा बोलेगा। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। कोख में कत्ल, आखिरकार कब तक? जो इस तरह से केस होते हैं, जो भी होता है, उसका हमारा 2000 रुपए महीने का होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस नारे को पूरे देश में सरकार ने एक अभियान के तहत जारी किया था, वहीं समाज के कुछ जिम्मेदार लोग इस अभियान की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी भ्रूण हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में जन्म लेने से पहले ही बेटियों को मार दिया जाता है। बता दें, इस काम को अंजाम भी खुद बड़े डॉक्टर दे रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए, जब कुछ रुपयों की खातिर खुद जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हों। आगे करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट देखिए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ आंकड़ों में लगातार लड़कियों की जनसंख्या में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटी को पैदा होने से पहले उसे कोख में मार दिया जाता है। गैर कानूनी और छुपे तरीके से इलाकों में जिस तादाद में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, वो साफ तौर पर सरकारी दावों की पोल खोलते नजर आ रही है। आज हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे कि कैसे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों के पैदा होने से पहले ही उन्हें मार देते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। नहीं, 2 से तो क्लियर ऊपर ही है। अच्छा, तो बाले हो जाए थे मैडम, तो आ ही रही है हमारी रोज। अच्छा, कर देंगे, ठीक है, एक बार अल्ट्रासाउंड कर लो। अच्छा, वो तो हम करा देंगे, लेकिन कितना समय हमें चाहिए? 200। इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि पीएचसी पर तैनात संविदा डॉक्टर हैं, जिसका नाम दिनेश है, जो अपने ही प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण हत्या करता है। बता दें कि भ्रूण हत्या के लिए वो 2 से 6 हजार रुपए की वसूली करता है। वीडियो देखने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। बता दें कि इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय पर चिंता जता चुके हैं। कितना खर्चा आ जाएगा इसमें? वो तो फिर भी एक अनुमान तो होता ही है। जो इस तरह से केस होते हैं, जो भी होता है, उसका हमारा 2000 रुपए महीने का होता है। 2000 रुपए महीने का? समझा नहीं मैं। एक महीना है 2000। अच्छा, 2 महीने है। अच्छा, 200 ऊपर है तो वो तीसरा लग गया। हालांकि भ्रूण हत्या पर रोक के लिए पहले से ही सरकार कई अभियान चला रही है, लेकिन ऐसे डॉक्टर खुद ही नियमों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि आखिर कब तक कोख में होते रहेंगे कत्ल। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। तो देखिए आपने रिपोर्ट, इसीलिए हम शायद कह रहे हैं कोक में कत्ल, आखिरकार कब तक? कब तक भ्रूण हत्याएं होती रहेंगी? कुछ पैसों के लालच में संविदा पर तैनात एक डॉक्टर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको बताएं तैनात है, उनका एक प्राइवेट नर्सिंग होम से भी ताल्लुकात है, और वहां पर भ्रूण हत्या के लिए वो 2 से 6 हजार रुपए तक डिमांड कर रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि अगर इस तरीके से भ्रूण हत्याएं होंगी, तो जो लिंग अनुपात है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ाएगा। और सरकार ने साफ तौर पे कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को बोला है कि जिससे लोग बेटियों को बचाएं, बेटियों को भ्रूण में उनकी हत्याएं ना की जाएं। और आपको बता दें 22 जनवरी 2015 को ये नारा दिया गया था, और इसके तहत लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया गया था। कई मंत्रालय इसके साथ जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय जुड़ा हुआ है, बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय जुड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर इस तरीके की बातें सामने आएंगी, इस तरीके का वीडियो सामने आएगा, तो अपने आप में बेहद चिंता का विषय। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं सुधीर शर्मा, पूर्व पीपीएस हैं। आपका स्वागत है सुधीर शर्मा जी।
आपने देखा किस तरीके से एक डॉक्टर ही पैसों की खातिर भ्रूण हत्या करने पर वो राजी हो गया कि वो ठीक है, वो भ्रूण हत्या कर देगा, लेकिन उसे कुछ पैसे चाहिए होंगे, 2 से 2.5 घंटे का समय भी उसने बता दिया। तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। सुधीर शर्मा जी, जी बड़े दुख की बात है कि ऊपर भगवान नीचे डॉक्टर भगवान के रूप में जाने जाते हैं, और आज वही डॉक्टर काले भेड़िया के रूप में समाज में उस भ्रूण को जिसने दुनिया देखी भी नहीं है उसके हक से वंचित करने के लिए चंद सोने के सिक्के के लालच में उसकी हत्या कर रहा है। कानून बना हुआ है कि जो भी ऐसा कार्य करता है उसको कठोर से कठोर सजा दिया, 10 साल की सजा है आईपीसी में जी। आईपीसी 312 से लेकर के 318 तक इसी समस्या का वर्णन है, लेकिन सरकार चाहे जितने कानून बना ले जब तक हम जागृत नहीं होंगे हम ये नहीं मानेंगे कि बेटी ही हमारा सब कुछ है, बेटी से ही समाज चलेगा, बेटी पे ही आने वाला कल है। जब माँ ही नहीं होगी तो बेटे कहां से होंगे, बेटा बेटी एक समान। जब तक जन जागरण नहीं होगा और हम इस चीज को मानेंगे नहीं कि हमारी बेटियां किसी भी मामले में बेटे से कम नहीं है, तब तक इस बारे में हम खाली डॉक्टर को ही दोष दे रहे हैं। डॉक्टर तो अपराधी है ही, लेकिन उससे बड़े अपराधी हम हैं जो उसके पास जागते हैं हत्या करवाने के लिए। ठीक बात है आपकी, उससे बड़े हम अपराधी। और इस वक्त बीच इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उदय लखनऊ से। जी अपनी राय रखिए उदय। हेलो जी, अपनी राय रखिए उदय। हाँ सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर से, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जी मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भ्रूण हत्या हो रही है सर मुझे बोलना है। और कल ही हम न्यूज देख रहे थे कि कमीशन में महिलाओं को स्थायी अब मिल गया है कि अब जो शॉर्ट सर्विस में रहते थे वो अब नहीं है। तो इस तरफ थल सेना, वायु सेना, जल सेना, हर जगह महिलाओं को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, और इस तरह की जब हम न्यूज देखते हैं इस तरह की चीजें आती हैं तो एक आम इंसान और एक नागरिक होने के नाते बहुत दुख होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग को जरूर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, ठोस प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो। तो सर इसके लिए कुछ ऐसा करिए कि ये मैसेज दूर दूर तक जाए आपके चैनल के माध्यम से और लोग अवेयर हों। ठीक बात है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जो दर्शक हैं वो भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठने चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाएं समाज में ना घटे। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सुधीर शर्मा जी, जिस तरीके से पक्षपाती लिंग चुनाव को रोकने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि भ्रूण हत्या को रोकना है, कन्या भ्रूण हत्या को नहीं होने देना है, और जन्म से पहले लिंग जानकारी नहीं कर सकते हैं आप, इस तरीके के रोक लगी हुई है अस्पतालों में, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्या उन डॉक्टर्स को, उन नर्सिंग होम्स को क्या कानून का डर नहीं है? पीएनडीसी एक्ट उन्हीं सब डॉक्टरों के लिए बनाया गया है जिसमें यह उनको निर्देशित किया गया है कि किस तरह से उनको अल्ट्रासाउंड करना है, और डॉक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जब बहुत जरूरी हो तभी अल्ट्रासाउंड हो, और जिस कॉज के लिए अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है सिर्फ उसी की जानकारी हासिल की जाए। कानून यह भी उनको कहता है कि आप जिसका भी अल्ट्रासाउंड करेंगे किस डॉक्टर के कहने से कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है, और किसी भी कीमत पे आप इस चीज की जानकारी नहीं देंगे कि आपके पेट में पड़ रहा भ्रूण किस लिंग का है, कि बालक है कि बालिका है। बिल्कुल, कानून बना हुआ है, लोग फिर भी अपने लालच में, पैसे के लालच में ये जानकारी दे रहे हैं, और हम
सक्षम है पैसा लेकर के जानकारी लेने के लिए, हम पैसा लेकर के वो जानकारी चाह रहे हैं। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, राजेश। राजेश झारखंड से जुड़ गए। यही वजह है जी। राजेश अपनी बात रखिए आप। जितने हमारे, देखिए पहले तो मैं के न्यूज को बधाई देता हूँ कि जलवंत समस्या पर जनता का राय आप जो ले रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कन्या भ्रूण हत्या है जो होता है इसके पीछे एकमात्र कारण गरीबी है, और इस गरीबी के पीछे पूंजीवाद है, और जब तक पूंजीवाद का शोषण चलता रहेगा तभी समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला है। बिल्कुल राजेश, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सुधीर शर्मा जी किस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, के न्यूज पे अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, अपना मोबाइल उठाइए, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी सुधीर शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हम यही कह रहे कि जब पीएनडीसी एक्ट बना हुआ है, हर नर्सिंग होम के लिए, हर डॉक्टर के लिए, और हमारा डॉक्टर जिस समय एमबीबीएस की डिग्री लेता है तो शपथ खाता है, ये शपथ लेता है कि हम जन कल्याण के लिए डिग्री हासिल कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, इंसान को नया जीवन देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में मानता है कि भगवान के बाद अगर जमीन पे कोई है नीचे तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर हमारा भगवान का रूप है। जब भगवान ही रक्षक बन जाएगा, बिल्कुल, उस राक्षस से कैसे समाज बचेगा। बिल्कुल, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो फिर सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। हाँ, इस समाज में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं कि जो, जी हाँ जी, सुधीर शर्मा जी एक बात बहुत साफ है, डॉक्टर ही जीवन बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, धरती का भगवान हम उन्हें जरूर कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो डॉक्टर्स ही कर डालते हैं। और उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ये जो विषय है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जब से व्यवसायीकरण हुई शर्मा जी, आपको नहीं लगता व्यवसायीकरण के चलते सारी चीजें हो रही हैं? पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। हालांकि कहा जाए अगर ग्रामीण अंचलों में दबी जुबान से, हालांकि पहले लोगों के जब बच्चे होते तो उनको मालूम ही नहीं चलता था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अल्ट्रासाउंड मशीनें इतनी नहीं थी, इतना हाईटेक जमाना नहीं हुआ था। लेकिन अब अल्ट्रासाउंड के बाद कुछ ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहां पर लिंग की जानकारी दे दी जाती है आज भी। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, लेकिन हमारा एक मानना यहां पे है, हाँ, कि कुछ काले भेड़ों की वजह से, हाँ, पूरे व्यवसाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ऐसे चंद लोग ही हैं, हाँ, जो सोने के सिक्के के लालच में आकर के, हाँ, ये गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसे भी डॉक्टर्स को जानते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, कसाई नहीं है। बिल्कुल, और डांट के पेशेंट को भगा देते हैं। लेकिन पहली गलती उस पेशेंट की भी मानते हैं, हाँ, उस पेरेंट्स की मानते हैं, हाँ, उस दादी की मानते हैं, उस बाबा की मानते हैं जिनके सपना पलता है कि हमारी बहू बेटा लेकर के आए, हाँ, बेटी लेके आएगी तो कुल। बहुत सही आपने बात कही है, बहुत सही आपने बात की। जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि उन्हें बेटा चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इस सोच से आखिरकार कैसे निकला जा सकता है सुधीर शर्मा जी? इस जो मनोविकृति है इसे कैसे दूर किया जा सकता है? लोग कैसे जागरूक हो सकते हैं? देखिए, अगर इसके हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो मेन कारण यही आता है कि हम लड़की से क्यों डर रहे हैं, हाँ, बेटी होने में क्यों चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी जो समाज की व्यवस्था है, हाँ, कि आज की शादियां, हाँ, एक स्टेटस सिंबल बन गई थी, महंगी हो गई हैं, हाँ, कि बेटी होते ही बाप सोचता है कि हमको 20 लाख रुपए में कहां से लाएंगे, हाँ, कि बेटे की शादी करेंगे। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से इस समस्या के लिए सबसे बेस्ट सजेशन एक ही आया है, सरकार भी इस पर अनुरोध करेंगे ध्यान दे, हाँ, कि जिस तरह हम सामूहिक विवाह करते हैं, हाँ, गवर्नमेंट एक लागू कर दे, हाँ, कि जिसके घर बेटी होगी, हाँ, उसकी शादी हम करेंगे, सरकार करेगी। बहुत अच्छी बात आपने, सरकार बहुत अच्छा आपने बोला। शादी करेगी, बराती को खाना खिलाएगी, लड़की को विदा। सुधीर शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। हालांकि ये हो सकता है व्यवहारिक रूप से इसको क्रियान्वयन में बहुत दिक्कत आए और लोग ऐसा कानून बना दे, ऐसा नियम बना दे गवर्नमेंट, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि अगर बेटी होगी तो उसका सारा खर्च वहन करेंगे शादी का, अगर गवर्नमेंट करने लगेगी तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर चर्चा जारी रखेंगे।
सुबह बोलेगा मैं, आज हम बात कर रहे हैं कोख में कत्ल कब तक, आखिरकार भ्रूण हत्याएं कब तक होती रहेंगी, आखिरकार लिंग चुनाव के चलते कन्याओं को भ्रूण मतलब कन्या भ्रूण को क्यों मार दिया जाता है गर्भ में ही, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे और उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार डॉक्टर्स राजी कैसे हो जाते हैं, डॉक्टर्स ये गलत काम करने को राजी कैसे हो जाते हैं जो लिंग की जानकारी दे देते हैं और उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। सही मायने में डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिरकार समाज किस ओर जाएगा, आप समझ सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करें, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुधीर शर्मा है, डॉक्टर सोती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम चलेंगे डॉक्टर सोती के पास, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारिक जुड़े हैं गोंडा से। जो तारिक अपनी बात रखिए आप। हमको बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा और हमको ईमानदारी से बरतना पड़ेगा, जो बेटी पैदा हो उसको बेटी से रखना चाहिए, ईमानदारी से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, अब तक सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी की बच्चे की हत्या में हत्या है तो मैं अपने बच्चे की हत्या कर रहा हूँ जी। आपका शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, हालांकि जो आपकी आवाज थी उसका वॉल्यूम थोड़ा कम था, इसलिए थोड़ा आपका जो मैसेज था वो हम तक कन्वे नहीं हो पाया है। डॉक्टर सोती हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर सोती, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समझते होंगे कि आखिरकार समाज में किस ओर समाज जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया बीजेपी सरकार ने, और ऐसे में 2015 में नारा दिया गया और बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय जो है उससे जोड़ा गया, इसे परिवार कल्याण मंत्रालय से जोड़ा गया, स्वास्थ्य मंत्रालय से जोड़ा गया इसे, तो इतने मंत्रालय से जोड़ तो दिया गया, लेकिन नतीजे जो हैं वो अभी भी चौंकाने वाले आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है एक डॉक्टर का, जो संविदा पर प्राथमिक चिकित्सालय में तो डॉक्टर हैं लेकिन एक नर्सिंग होम से भी वो ताल्लुक रखते हैं, जुड़े हुए हैं, और वहां पर एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि वो 2 से 6 हजार रुपए ले रहे हैं भ्रूण हत्या के नाम पर। तो ऐसे में किस ओर ये समाज जा रहा है, क्या डॉक्टर्स की जिम्मेदारी खत्म हो गई या फिर डॉक्टर्स को अब कानून का भी डर नहीं है? देखिए ओम जी, ये जो समस्या है ये पूर्णतः अगर हम देखें तो कन्या भ्रूण हत्या की जो है वो सामाजिक समस्या है। हमारा समाज जो है अभी कन्याओं को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि अगर 1901 की जनसंख्या का आप देखिए जब हुआ था तब हमारे पास सेक्स रेशियो जो था 978 तक था, आज वो घट के जो है 933 आ गया है, और कुछ प्रांत में विशेषकर देखिए आप हरियाणा में देखिए, गुजरात में देखिए, हाँ। दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, वहां पे तो 700 और 800 के आसपास आ रहा है। कारण बिल्कुल साफ है कि हमारे समाज में जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को एक परिवार को अपने बच्चों की जो सुरक्षा है, बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसकी चिंता है, इसलिए वो चाहता है कि घर में जो है बालक हो ताकि जो है उनकी सुरक्षा की जा सके। तो सबसे पहले समाज में जो हमारा शासन और प्रशासन है उसमें इस लेवल पे आना चाहिए कि हमारी बेटियां जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनके साथ कोई भी जो है काम जो है भयपूर्वक काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप जहां तक स्कीमों की बात कर रहे हैं तो कन्या विद्याधन और अभी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी स्कीमें निकाल रखी हैं, आपकी यहां की भी देख लीजिए कि 25,000 रुपए देती है अगर आपके पास एक कन्या है। और मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनकी राय बेहद है, मैं उनको ले लेते हैं। मिराज खान सीतापुर से जुड़े हैं, मिराज खान अपनी राय रखिए। सर मैं कहना चाहता हूँ जो आपने जो मुद्दा उठाया है मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हाँ। मगर इसमें डिबेट ही से हम लोगों का काम नहीं चलने वाला, इसमें सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग जो भी है वो पूरा चरमराया हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों को दवा नहीं मिल रही है, गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में नहीं है, और जो जिला स्तर पे जो हॉस्पिटल बने हुए वहां पर भी अभी जो है मतलब जो इमरजेंसी वाले जो है सीधे लखनऊ रेफर करना पड़ता है उनके लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जिस तरह से वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए ताकि मरीज लखनऊ ना जाए, जबकि जब सारे डॉक्टर यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद रहते हैं, वो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, साइड में भी उनको अपना काम करते हैं, और जब उनके वीडियो वायरल होते हैं तो कोई भी कार्रवाई किसी पर नहीं होती, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि डॉक्टर जो है ऐसे ही काम करते हैं। आपका शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। डॉक्टर सोती आप अपनी बात पूरी कीजिए।
तो देखिए जो भ्रूण हत्या है वो केवल अपने उत्तर प्रदेश तक नहीं सीमित है। आप देखिए जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहां पे जो सरकार है उसने तो बाकायदा इनाम घोषित कर रखा है कि अगर कोई भ्रूण लिंग का जो है परीक्षण भी कर रहा है तो सरकार को सूचना देने पे 10,000 रुपए का इनाम मिलता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये ओम जी कि हमको अपनी बहु बेटियों को जो है सुरक्षित रखना है। ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन जो हम कह सकेंगे कि हमारी बेटी जो है बेटे के बराबर है। आज देख लीजिए कि अगर जैसा कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आ गई है, बच्चे जो है रात में काम करते हैं, 10 बजे जब घर आते हैं तो माँ बाप को चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो सड़क पे उनके साथ कोई हादसा हो जाए। आज आप मेट्रोपोलियन सिटी में भी जाइए तो देखिए कि लड़कियां रात के 12 बजे तक अपने ऑफिस से काम करके आती हैं, तो उनकी सुरक्षा की जो दृष्टि है उससे जो है परिवार बड़ा भयभीत रहता है। तो सबसे पहले हमें इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमको महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब ऐसा आ जाएगा तो परिवार में भय खत्म हो जाएगा और वो मानने लगेंगे कि जो हमारी सुकन्या है वो हमारे बालक से ज्यादा अच्छी है। आज स्थिति ऐसी है कि बालकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमने परिवारों में देखा है, जिसमें कन्या जो है वो ज्यादा सिंसियर है, अनुशासित है, पढ़ती लिखती है और परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां निभा रही है उतना अच्छा हम लोग के बच्चे उतना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिएगा किसी परिवार से पूछेगा तो कहेंगे यार हमारे पास बेटा होता तो अच्छा है, 2 बेटी कम से कम एक बेटा हो जाए। तो ऐसी चीजों से हमको ऊपर उभरना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे समाज, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा की बात है, बिल्कुल आपने बात एक ये बिंदु आपने बहुत उठाया, बहुत सही बिंदु उठाया डॉक्टर सोती, सुरक्षा बिल्कुल देना जरूरी है और कहीं ना कहीं बराबरी से देखना होगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीकांत गाजियाबाद से। जी श्रीकांत अपनी बात रखिए। जी सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस दौर में जबकि बाकी सारे चैनल निष्पक्षता को त्याग चुके हैं, आपका चैनल हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो समस्या है ये पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण में चलता है। कोई भी डॉक्टर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक उसको सत्ता का किसी भी नेता का, मंत्री का, विधायक का संरक्षण नहीं प्राप्त हो तब तक वो इस तरह का काम करे। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पूरे देश में है और इसीलिए हमारा सेक्स रेशियो घटता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसका सिर्फ इसका सारा बजट इससे प्रचार में लगाया जाता है, इसका अंदरूनी जो बजट है वो काट दिया जाता है, ये सबको पता है। तो जब तक इस तरह काम होते रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। सर जी आपका शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ सुधीर शर्मा है, पूर्व पीपीएस है और हम चलेंगे सुधीर शर्मा जी के पास, लेकिन यहां वक्त है एक ब्रेक का। आपको बता दें जिस तरीके से अब लड़के के बराबर लड़कियां खड़ी हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां टॉप पर ना हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, जितनी भी सर्वोच्च सेवाएं हैं उनमें आज लड़कियां टॉप पर हैं। लड़कियों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कों के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन लड़कियां किसी मायने में लड़कों से कहीं कम नहीं। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार कन्या भ्रूण हत्या कब तक और आखिरकार क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए सुबह बोल। जी हां, कोक में कत्ल कब तक, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कन्या भ्रूण हत्या कब तक लिंग चुनाव के चलते लोग कन्या भ्रूण हत्या करवाते रहेंगे और डॉक्टर इसको अंजाम देते रहेंगे पैसों के लालच में, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपको बता दें हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जमशेद खान बरेली से है। जी जमशेद अपनी राय रखिए। जी सर, पहले मैं आपके लिए चैनल लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा सर। और बरेली में जो भूड़ हत्या हुई है सर, ये मंझगावा ब्लॉक का मामला है, मैंने अभी देखा था उसमें आपकी टीवी स्क्रीन पे, ये बहुत ही हरकत है सर यहाँ की। और यहाँ झोला छाप डॉक्टरों की सर भरमार है बरेली के अंदर, बाकी कोई कानून कायदा यहाँ नहीं है सर। बेटी तो एक घर की शोभा होती है, मेरी भी एक बेटी है जिसको मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा बनाऊ, ठीक है, बेटियों से जो है हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए। पर यहाँ बरेली में ऐसा नहीं है, बरेली में अधिकतर सर जो है होता है कि लड़कियां जहाँ उन्होंने देखे अल्ट्रासाउंड में तो इसको के गर्भपात करा दूं, कुछ करा दूं, यहाँ डॉक्टर पैसे के लालच में बेटियों की हत्या करते जा रहे हैं। मतलब प्रशासन, बिल्कुल आपने एक बेहद खूबसूरत बात कही कि आपको भी एक बेटी है और आप उसको कुछ बनाना चाहते हैं और
समाज में जितने भी लोग हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं, शायद उनको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सुधीर शर्मा जी के पास चलेंगे। सुधीर शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि व्यवसायीकरण के चलते, बड़े बड़े नर्सिंग होम्स खुलने के चलते डॉक्टर्स खोलना चाहते हैं और नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं लगातार, ऐसे में उनके जो खर्चे हैं, उनको जो खर्चा वहन करना होता है, इसके चलते भी लगातार इस तरह की चीजें अंजाम दी जाती हैं? क्योंकि आप अगर नोटिस करें, हालांकि वो सब्जेक्ट से हट के हो जाएगा थोड़ा, लेकिन डॉक्टर्स पैसा कमाने के एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्की गोंडा से। जी विक्की, अपनी राय रखिए। और ईमानदारी से वो, और जो डॉक्टर है मुद्दा करे उनको, और लड़की सबसे लड़की बहुत प्यारी होती है। आपका शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम सुधीर शर्मा जी के पास सीधा चलेंगे। सुधीर शर्मा जी, पहली चीज व्यवसायीकरण, दूसरी चीज लोगों का मानसिक बदलाव ना होना, लोगों का नजरिया ना बदलना, क्योंकि आज बेटियां लड़कों के मुकाबले, बेटों के मुकाबले कहीं पर भी पीछे नहीं है। बेटियां भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो आजकल के बेटे कर रहे हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को गर्व है हिंदुस्तान की बेटियों पे, चाहे वो सुनीता विलियम हो, चाहे नैनवाल हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे पुनिया हो, हिंदुस्तान का परचम विश्व स्तर के ऊपर हमारी बेटियां लहरा रही हैं जी। और जो समाज की मानता है, जैसे हम पहले कह रहे थे कि समस्या यही है कि बेटी होते ही मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान घबरा जाता है कि हम शादी कैसी करेंगे। हम ये कह रहे थे कि जब हम दलिया खिला सकते हैं स्कूल में जाकर के, हज करने के लिए पैसा दे सकते हैं, तीर्थ करने के लिए पैसा दे सकते हैं, आंखें ठीक करने गैस का चूल्हा दे सकते हैं, फ्री में जब उनका ऑपरेशन करा सकते हैं, डिलीवरी के लिए पैसा दे सकते हैं, तो शादी के लिए पैसा क्यों नहीं दे सकते? पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सामुदायिक केंद्र है, हर जिले में है, हर गरीब आदमी को सामुदायिक केंद्र उपलब्ध करा दिया जाए शादी करने के लिए, 100 बराती फिक्स कर दिया जाए, 100 लोगों को खाना गवर्नमेंट खिला देगी, इतना लोगों को दान करती है। आपका कॉन्सेप्ट हालांकि अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, और इस तरीके की चीजों से बदलाव हो सकता है। बिल्कुल सुधीर शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक कानपुर से जुड़ गए, मनोज दुबे। जी मनोज दुबे, अपनी राय रखिए। सर जी मैं ये कह रहा हूँ सर जी, इस तरीके से डॉक्टर जो कत करते हैं उनका लाइसेंस निरस्त करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि उनका लाइसेंस ही निरस्त कर देना चाहिए, जो उनके नर्सिंग होम्स चल रहे हैं उनका लाइसेंस छीन लेना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सोती है, सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर सोती, लोगों की मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है कि वो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो गर्भ में बच्चा पल रहा है आप उसका लिंग बता दें, जिससे वो पहले ही जानना चाहते हैं, और जानने के बाद वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो बहुत ही घिनौने होते हैं। अगर वो जान जाते हैं कि बेटी है तो कन्या भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। तो ये मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि मानसिकता अब भी समाज में व्याप्त है और डॉक्टर है वो व्यवसायीकरण के चलते, वो पैसों के खेल के चलते वो इस कांड को अंजाम दे देते हैं। देखिए हमारे क्या एक पुरानी रीत चली आई है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी लाश को जो अग्नि देता है वो पुत्र देता है जी। तो इस धारणा को भी ध्यान रखते हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं और बहनें हैं, वो भी फोर्स करते हैं अपने भाइयों को, बेचों को, बट्टों को कि भाई तुम जो है कम से कम एक बच्चा तो, एक लड़का तो होना जरूरी है परिवार के अंदर, क्योंकि जब मरेंगे तो अग्नि कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा। तो इस मेथोलॉजी को भी हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, इस समाज को तोड़ना पड़ेगा कि भाई हमारे पास बेटी और बेटा सब दोनों बराबर हैं। ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, जो आपकी जो फिजियोलॉजी है ह्यूमन, वो सेम है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जो हमारी रीत रिवाज, जो हम लोग ने जो परिपाटी पुरानी चली आ रही है, उसको भी हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तथा समाज में जैसा कि सुधीर शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हम समाज में दहेज प्रथा को भी समाप्त कर देंगे तो भी उसका भी एक असर पड़ेगा। शादी का इतना वर्डन नहीं हो रहा है आजकल, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है सबसे बड़ी सुरक्षा, उसके बाद जो हमारी जो पौड़ी चला रहा है कि हमारा जो
जो अग्नि देगा वो मेरा बेटा देगा, मेरी बेटी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सोच, ये भी सोच बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी सोच कहीं ना कहीं बेटो तो इतने बिल्कुल शादी होगी, रिजिट करती है समाज को, कहना उन्हें बेटा ही चाहिए, से काम करना पड़ेगा, बाद में बेटी हो जाए ठीक है, लेकिन वो बेटा ही चाहते हैं। ये सोच बिल्कुल सही आपने कही, ये भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। इस बीच हमारे साथ कांति एक दर्शक है प्रतापगढ़ से, वो जुड़ गए। जी कांति, अपनी राय रखिए। कांति से हमारे संपर्क टूट गया। हमारे साथ एक और दर्शक है, श्याम तिवारी है फरुखाबाद से। श्याम तिवारी, अपनी राय रखिए आप। चलिए श्याम तिवारी हमसे फिर से जुड़ सकते हैं और अपनी राय के न्यूज पर रख सकते हैं। डॉक्टर सोती, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला है। बिल्कुल सही बात है कि जो रीति चली आ रही है उसी के मद्देनजर लोग ये चाहते हैं, और लोगों का, और दूसरी चीज, एक चीज और भी है कहीं ना कहीं जी, आर्थिक आधार की बात लगातार कर रहे हैं हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि जो शादी का है बोझ, लोग बोझ समझने लगते हैं। तो हम सुधीर शर्मा जी के पास ही चलेंगे। सुधीर शर्मा जी, आखिरकार अपने ही बच्चे को एक माँ और बाप बोझ कैसे समझ सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर मानसिकता ऐसी कैसे हो जाती है विकृत? देखिए, समाज की मान्यता है कि क्योंकि समाज ने ऐसा कुरीति थाली रखी है कि जब बेटा होगा तो फूल की थाली बजेगी और बेटी होगा तो किसी को बताने नहीं जाएंगे। अभी आजकल बहुत अच्छा टीवी पे ऐड आ रहा है कि लड़का जाके अपने बाबा को बताता है कि बाप को मेरे बेटी हुई, मुंह लटका के, तो उसका बाप कहता है तो मुंह क्यों लटका के खड़ा है, जा लड्डू बांध। जब ये कॉन्सेप्ट आएगा कि बेटी होने में लड्डू बटेंगे तो निश्चित ही बेटा बेटी एक समान होंगे, लोगों में जागरूकता आएगी। और हम तो कहते हैं अगर फूल की थाली बजानी है आपको तो बेटे होने में बजाओ, बेटी होने में बजाओ। बहुत सही आपने बात कही है, थाली बजानी फूल की, आपको तो बेटा और बेटी दोनों के होने पर बजनी चाहिए, यानी कि बेटे के होने पर फूल की थाली बजे और बेटी हो तो उसकी जानकारी ही किसी को ना दी जाए। इस बीच हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं, एक देवेंद्र है। देवेंद्र, अपनी राय रखिए, गाजियाबाद से है। हाँ जी, मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, अपनी राय रखिए आप। हाँ जी, मेरी राय ये है, जैसे बेटा हो या बेटी, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो भ्रूण हत्या है मोस्टली तो जो जो गांवों की साइड में है, ये हकीम साहब के डॉक्टर है जी, ये परीक्षण करा के ये कराते हैं, तो गवर्नमेंट इसमें कोई सख्त नहीं है। तो गवर्नमेंट इन जो छोड़ा जाप डॉक्टर है इनको जेल भेजे। और कुछ सरकारी अस्पतालों में भी मैं खुद देखा है, कुछ सरकारी अस्पतालों में भी ऐसे डॉक्टर है जो पैसा लेकर काम करते हैं, जी आपकी राय बेहद अहम है हमारे लिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अहमद है हमारे साथ, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जी अहमद, अपनी राय रखिए आप। अहमद, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज मिल रही है जी। अपनी राय रखिए आप। सर ये कहना है, प्रॉब्लम क्या है, सरकारी जो हॉस्पिटल है, हाँ जी, वहाँ जो है पैसे लेके मतलब लोगों को बता दिया जाता है। प्राइवेट जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ भी सबसे ज्यादा मतलब लोग पैसे लेते हैं और सारी जानकारी दे देते हैं। जी आपका शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े लखनऊ से, नवीन। नवीन, अपनी राय रखिए आप। सर एक बात है, आपका प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात आपसे ये कहनी है कि जो लोग जैसे विवाहित हैं वो भ्रूण परीक्षण करवा के अपना बच्चा ड्रॉप करवा लेते हैं, वो तो करवा सकते हैं, उनके लिए आप बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन जो अनमैरिड लोग होते हैं वो भी भ्रूण हत्या करवाते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? वो तो चुपचाप करवा लेते हैं कहीं ना कहीं से, वो कहीं ना कहीं जाके करवा लेते हैं। आपका शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। संभल से हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं। जी आसिफ, अपनी राय रखिए आप। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपके माध्यम से जो तीन इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही अच्छा है, अगर सभी इसी ओर अगर जागरूक हो जाएं तो लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हाँ। और जो जो डांडर इस प्रकार की अनोखी हरकत करते हैं, घिनौनी हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही अभिभावकों को भी इन पर कार्रवाई की जाए कि अभिभावक इस वक्त क्यों अपना ध्यान लगाते हैं। देखिए लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है, जितनी खुशी लड़के में मनाई जाती है उतनी ही लड़की में मनाई जाए, क्योंकि
जितना अधिकार लड़के का है उससे कई गुना लड़की का भी अधिकार है, क्योंकि वो लड़की एक परिवार चलाती है, दूसरे के यहाँ अपन जीवन बसर करती है, तो उस लड़की के लिए पूरा अधिकार मिलना चाहिए और माँ बाप को भी पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अगर इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई उठानी चाहिए। और सरकार दुनिया भर की योजना चला रही है लड़कियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, उसके और बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस और क्या कहने जाए। जी आपका शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, बहुत सही बात आपने कही है। हमारे साथ डॉक्टर सोती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। डॉक्टर सोती, आपके पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा, भारत एक पुरुष प्रधान देश है जी, क्या कहीं ना कहीं ये एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुष प्रधानता के चलते लोग बेटियों को अवॉइड करते हैं, लोग इतना बड़ा गैप समझते हैं, अंतर समझते हैं, हालांकि समाज में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत रैपिडली हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा देखते नहीं बन रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा ग्रामीण अंचलों में तो बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है लड़के और लड़की के बीच में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ओम जी, अभी अभी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, हम लोग को एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना पड़ेगा समाज के अंदर, जिसमें हमको ये दिखाना पड़ेगा, देखिए कानूनी रूप से और उसके जो फैसिलिटीज दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से, जो नियमावली है, जो कानून है, वो तो बहुत है कि आपका बेटी का भी जो है अब जायदाद में जो है पूरा 50% जो है आपका होता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आ गई है, डिग्री तक आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है, कन्याओं की पढ़ाई फ्री है, तमाम कानून है, इसके लिए भी कानून है कि अगर भ्रूण हत्या करते हैं तो उसमें जेल और सजा हो जाती, काफी लंबी आग का लाइसेंस जा सकता है, और तरह तरह की जो है फाइनेंशियली जो है सपोर्ट दिया जाता है कन्या को, उससे बढ़ के हमको ये देखना है कि समाज के अंदर हमको ये स्थापित करना है कि जो हमारी जो कन्या है, जो लड़की है, वो हमारे लड़के के बराबर है। जैसा कि हमको अगर जहां पे अग्निदान देना पड़ता है पिता के मरने पे, तो वो उसको हमको आगे बढ़ के बढ़ना चाहिए कि लड़की जो है वो अग्नि दे सकती है अपने पिता के। ऐसे आपको बता दूं डॉक्टर सोती, ऐसे कई मामले भी सामने आए जहां पर लड़कियों ने आगे बढ़ करके अपने पिता को अप्रिशिएट करते हैं वो खत्म मुखाग्नि दी है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं समाज से निकल करके, और हम अक्सर मीडिया में पढ़ते भी रहते हैं, वो वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग। हाँ, लीक से हट करके ऐसे मामले आए हैं। बिल्कुल डॉक्टर सोती, आपको रोकना चाहूंगा, दर्शक जुड़ गए, निशांत है बरेली से, निशांत अपनी राय रखिए। चाहिए वो एक रीत हो जानी चाहिए। जी सर, मैं आपको बता दूं कि सरकार अभी तक लगातार लगाम लगाती चली आ रही, एक तो सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों पर, जबकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल खोले बैठे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भ्रूण हत्या पे भी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या कारण है, क्या है, किससे नेताओं से मिले हुए हैं या किससे डॉक्टर मिले हुए हैं, सीमो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं, क्योंकि सीमो की बगैर मर्जी के कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर उन्हें जानकारी में होते हुए भी सीमो साहब उस पर जब कोई रिपोर्टर से या कोई भी जानकारी लेता है या कोई जनता जानकारी लेती है, तब भी वो जानकारी देने से कतराते हैं, कार्रवाई करने से कतराते हैं, कोई शिकायतें अगर सीमो के पास पहुंचती तब भी कतराते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं और नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं सीएमओ का इसमें हाथ रहता है या उनकी छूट रहती है, आपने एक नया बिंदु दिया है। हम सीधा चलेंगे सुधीर शर्मा जी के पास, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सुधीर शर्मा जी, निशांत अभी जो कह रहे थे उसका जवाब आपसे चाहेंगे। जी देखिए जी, हम निशांत जी को ऐसी कहना चाहेंगे कि व्यवस्था ऐसी, अगर सीएमओ नहीं सुनता है तो प्रमुख सचिव हमारे बैठे हुए हैं, चिकित्सा के विशेष सचिव बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन में क्लैडर बना हुआ है, कोई ना कोई जरूर सुनेगा। डीएम को कह सकते हैं और डीएम के अंदर में स्वास्थ्य विभाग आता है, लेकिन खाली अपनी बात कह के चुप हो जाना, कहने की आवाज का हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। आप आवाज इतनी तेज उठाओ कि कोई ना कोई जरूर सुनेगा। हाँ। सीएमओ नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई नेता सुनेगा, विपक्ष के नेता सुनेगा, पुलिस सुनेगी, डीएम सुनेंगे, कमिश्नर सुनेंगे, सब कान में तेल डाल के नहीं बैठे हुए हैं, वरना यह विभाग खत्म हो गया होता।
और जो गलती करते हैं उनको सजा भी मिलती है, नौकरी से निकाले गए कई डॉक्टर, आप देख लीजिए ऐसा नहीं है, जेल तक गए हैं डॉक्टर, जेल भी गए हैं, अभी तक जमानत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लोगों को जाना चाहिए अपनी आवाज बहुत ही तेजी से डॉक्टर को दोष देने के साथ साथ सीएमओ नहीं सुन रहा, डीएम से आप शिकायत कर सकते हैं, सचिव के पास जा सकते हैं, नेताओं के पास जा सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि है उनके पास जा सकते हैं, विपक्ष के नेता के पास जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत है लेकिन आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से, कांति, कांति अपनी बात रखिए आप। कांति से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है, कांति हमसे फिर से जुड़ सकते हो, अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि लगातार समाज से ही निकल करके ऐसी चीजें आती, लोग खुद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कन्या भ्रूण हत्या के लिए डॉक्टर से एक सौदेबाजी करते हैं और डॉक्टर भी रजामंदी कर लेते हैं और कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है। ये अपने आप में बेहद वाकई में एक कहते हुए भी लगता है कि सुनते हुए लगता है कि जिस बच्चे को बाहर आना चाहिए इस दुनिया में उसको भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और दर्शक भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। यहां वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी हां, सुबह बोलेगा मैं आज हम बात कर रहे हैं कोख में कत्ल कब तक, आखिरकार कब तक बेटियों को बेटों से अलग समझा जाएगा, बेटों के बराबर नहीं समझा जाएगा और कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाएगी। आखिरकार वो लोग क्यों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को पैसे देकर के कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, आखिरकार क्यों बेटियों को इस दुनिया में लाने से डरते हैं। कारण कुछ भी हो लेकिन ये बेहद ही गंदी मानसिकता है और ये एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए शायद सजा नहीं होगी। बिल्कुल, हम बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में दर्शक लगातार जुड़ते हैं, हमारे साथ सावित्री बिजनौर से जुड़े हुए हैं, उनकी राय ले लेते हैं। सावित्री अपनी राय रखिए, सावित्री अपनी राय रखिए आप। सावित्री से हमारा संपर्क टूट गया है, सावित्री हमसे फिर से जुड़ सकती हैं, अपनी राय के न्यूज में रख सकती हैं, इस मुहिम से जुड़ सकती हैं। हमारे साथ लगातार दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर सोती जी, सीधा चलते हैं डॉक्टर सोती जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सोती जी, क्या लगता है आपको कि जागरूकता के लिए समाज के अंदर ऐसा क्या कुछ करना चाहिए, ऐसा क्या कुछ जागरण करना चाहिए, लोगों को कैसे जगाया जा सकता है? देखिए, लोगों को जगाने के दो ही साधन हैं, एक तो सरकार के पास होता है जो अपना जो है आंदोलन के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला एक स्लोगन लेके आगे बढ़ रही है और तमाम बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कन्याओं को बढ़ावा देने के लिए देती है, उनकी एजुकेशन फ्री है, उनके पैदा होने पे कुछ FD कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी स्कीमें होती है जो विवाह के स्वरूप उनके पास इन लाखों में पैसा आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां तक समाज को है उसको बदलना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमको खुद समझना पड़ेगा कि साहब हमारी बेटी जो है वो बेटे के बराबर है, बराबर नहीं है उससे बढ़ के भी है। हमने देखा है कि भारत में आज भी महिलाएं और बेटियां जो है उनकी स्थिति जो है वो कम से कम परिवार के प्रति उनका लगाव जो है काफी अधिक देखने को मिला है भारतवर्ष में। तो ऐसे सूटे हाल में हमको जो जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है छोटी सी कि साहब हमको वो अग्नि नहीं दे सकते या साहब वो हमको जो है हम बेटी का हम जाके उसका पानी नहीं पी सकते हैं, दिक्कत यहाँ ये आती कि बुढ़ापे में हम लोग क्या कहा जाता है कि बेटी के घर का हम पानी नहीं पी सकते, बेटी तो आके रह नहीं सकती है। हाँ, ये जो परंपरा है इसको बदलने की जरूरत है कि अगर आप बेटी के घर जाके मजबूरी में रहने लगेंगे तब भी जो अड़ोस पड़ोस का समाज है वो भी आप पे उंगली उठाने लगेगा, कहेगा कैसा बाप है जो अपनी बेटी के यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जो परिस्थितियां जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो वर्षों से चली आ रही है भारतीय समाज में, उनको उनकी रीत रिवाज को उनको बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बेटी जो है वो बेटे के बराबर है। तो ये जो परंपरा है उसको आप बदलिए, तब जाके जो है अपनी सोच बदलिए। जब तक हम लोग अपने समाज की सोच नहीं बदलेंगे तब तक जो है आगे इस तरीके की समस्याएं हम लोग झेलते रहेंगे। बिल्कुल, सुधीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, सुधीर शर्मा जी के पास चलेंगे। सुधीर शर्मा जी, आप अभी बात कर रहे थे आर्थिक आधार पर, आर्थिक तंगी के चलते लोगों का ये हाल है या शादी जो है शादी को लेकर के बहुत खर्च आएगा या जिस तरीके की अभी सामाजिक जो कुरीतियां हैं या सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके बारे में डॉक्टर सोती ने बताया,
तो आपको लगता है क्या वो इसके लिए जिम्मेदार है या फिर सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद दी जा रही, कई तरह की योजना चलती है, क्या वो उन गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच रही जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और लोगों को एक कदम उठाना पड़ता है? डॉक्टर सोधी ने बहुत सही कहा है। हाँ, और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। हम सबसे ज्यादा इस बात से परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात, हमारे बेटी हमें उतनी चिंता नहीं है। पड़ोसी कहता हाय पंडित जी आपके यहाँ बेटी पैदा हो गई। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि ऐसा लगता है कि बेटी पैदा करके हमारी पत्नी ने कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया। बिल्कुल सही, इस सामाजिक सोच को बदलना होगा। वक्त आ गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समाज को जागरूक होगा। और आने वाला वक्त हम फिर बता रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है और आने बेटियों का होगा। अगर बेटी नहीं होंगी तो हमारे आपके बेटे सुरक्षित नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुए कहां से लाएंगे अगर बेटी मार देंगे? बेटी नहीं होगी तो बहन कहां से लाएंगे, माँ कहां से लाएंगे, बहू कहां से लाएंगे? सबसे बड़ी बात है भारत में नहीं आई, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहू कहां से लाएंगे, डॉक्टर कैसे बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सोती हमारे साथ। डॉक्टर सोती जी, क्योंकि अब कार्यक्रम को आगे चल के वाइंड अप करना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जिससे इस वक्त जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन तक ये बात पहुंचे कि बेटियों को किसी भी कीमत पे बेटों से कम ना आका जाए। बेटियां उतनी ही जरूरत है जितनी बेटे जरूरत है। अगर बेटे जो कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं। ऐसे क्या कुछ चीजें हैं जो आप दर्शकों से कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे क्या शिक्षा का स्तर बदल रहा है, जब तक हमारी शिक्षा का स्तर नहीं बदलेगा तब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। और जहां तक देखा गया है कि बेटियां हैं वो भी अच्छी तरह काम कर रही हैं, अपने घर को पाल रही हैं, अपने समाज को रखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब लड़कियां जो है वो लाइबिलिटीज नहीं बढ़ रही है, वो एक एसेट्स बन के आ रही है। थोड़ी सी हम लोग को मानसिकता को बदलना है कि साहब हम की जो है कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पियेंगे, या हम बेटी के यहाँ मुसीबत के समय में अगर मेरे पास एक ही बेटी है, बेटा नहीं है, मैं बूढ़ा हूं, अकेला हूं, कोई घर देखभाल करने वाला नहीं है, तो हम बेटी क्या जाके शिफ्ट हो सकते हैं, वहां रह सकते हैं, और हमारे मरने पे जो है बेटी जो है अग्निदान हमारा कर सकती है। तो इस मानसिकता को अप्रिसिएट करना चाहिए, उठना चाहिए, जिससे कि लोग समझे। दूसरी जो हमने पहले प्रथम में शुरुआत की थी कि बेटियों की सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है, तो इस समय महिलाओं की, बच्चों, बालकियों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करनी चाहिए शासन प्रशासन को, तब जाके हमारे समाज में सुधार आएगा और हम जो है एक अच्छा समाज को जन्म दे पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सुधीर शर्मा जी, क्या लगता है आपको, जो जिस तरीके से सरकारी अमले की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो उन गरीब परिवारों तक नहीं पहुंचती हैं जिनके यहाँ बेटियां हैं, तो या इसलिए वो डरते हैं? देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि 100 में 90 बेईमान फिर भी भारत महान। हम गरीब के लिए 1 रुपया देते हैं तो उसको 20 पैसे पहुंचते हैं। हाँ, जब तक ये सरकारी तंत्र की जो मान्यता चली आ रही है इसका पदक्षेप नहीं होगा, जो हमारी सरकारी स्कीम है 100% जनता तक नहीं पहुंचेगी, तब तक समस्या बनी रहेगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जागरूक हो, समाज जागरूक हो और हमारी नीयत साफ हो। बिल्कुल, नीयत साफ होनी चाहिए। डॉक्टर सोती, समाज के अंदर अभी भी एक देखा जाए, ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, क्योंकि अगर रूरल एरियाज जो हैं अर्बन एरिया से थोड़े डिफरेंट है, वहां की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, वहां पे अगर शिक्षा की बात की जाए तो आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसे एरियाज कम नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसा एरिया है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल ऐसा होगा जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर जो लड़कियां हैं बात की जाए तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको सही स्वास्थ्य उनका नहीं है, उनको वो सारी चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं जो अर्बन एरियाज के लगे हुए कस्बों को तो हो जाती हैं, जो बिल्कुल थोड़ा दूरी रखते हैं वहां पर वो चीजें उन तक नहीं पहुंच रही, सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही, या ये कहें शिक्षा का अभाव है, या ये कहें जानकारी की कमी है, तो ऐसे में उन तक ये जानकारी कैसे पहुंचे, उनको जागृत करने की क्या कुछ कोशिश की जा सकती है?
नहीं देखिए, इसका तो मुख्य जो काम है वो सरकार का है कि उनके पास तमाम मंत्रालय हैं, बाल विकास है, ग्रामीण विकास है, बहुत से उनके पास मंत्रालय हैं, बहुत से उनके पास स्कीमें हैं। अब तो जो है उनके अकाउंट्स में सीधे जो है पैसा ट्रांसफर हो सकता है, और इस स्तर के साथ साथ बहुत सी एनजीओ लगी हुई है जो ग्रामीण अंचल में जाती है, काम करती है, लेकिन उनकी एक एरिया होता है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनके पास रिसोर्सेज संसाधन लिमिटेड होते हैं, वो उतने तक नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप सरकार के पास देखें तो इनके पास आंगनवाड़ी एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें इनके यहाँ के इम्प्लाई हैं, अच्छी खासी उनकी तनख्वाहें भी हैं, उनको जाके जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको ईमानदारी से अगर उनके तक पहुंच जाए तो ये होगा। जहां तक हम अब जनसंख्या को भी अगर इससे जोड़ लें तो जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो हमारा अटल फेल्योर है, शुरू से हमेशा फेल्योर रहा है, जिसकी वजह से जो है ये स्थिति पनप रही है। हमारे पास जो भी संसाधन है उनका अगर हम सरकार और हमारे जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अगर दूर सुदूर गांव ग्रामीण अंचल तक पहुंच जाती है तो डेफिनेटली जो है एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सोती, इस चर्चा में अब समय इतना ही था, आपका शुक्रिया। आपने कई ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिससे ऑडियंस को बहुत कुछ मिला है, हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ मिला है, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ सुधीर शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया, आपने भी बहुत सही चीजों पर अपना नजरिया रखा है, लोगों तक बहुत कुछ पहुंचा है। साफ बात की जाए, सही बात की जाए कि बेटियां कहीं भी बेटों के मुकाबले कम नहीं है, बेटियां कीमती हैं, अनमोल हैं, उनका भ्रूण में हत्या नहीं होनी चाहिए। ये एक ज्वलंत समस्या है, ये ज्वलंत मुद्दा भी है, और ये मुहिम के न्यूज की आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हम लगातार चलाते हैं, सुबह बोलेगा में ऐसे ही मुद्दे हम उठाते हैं। बेटियों को इस समाज में आना चाहिए, क्योंकि जब बेटी होगी तभी मां होगी, मां होगी बेटी ही से मां है, बेटी से ही बहू है, बेटी से ही बहन है। तो इसलिए बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आज सुबह बोलेगा में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।